गुड मॉर्निंग ए क्लास, सिक्स क्लास। ये हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है, सुप्तिष्ट बकर है। आप सभी को हमने फोर्थ क्वेश्चन तक करवा दिया था, उसके आगे ये हमारा फाइव क्वेश्चन है। समानार्थक काली बलानी चित्वाली का समानार्थक शब्द है, उनके सामने हमने आपको ये पढ़ लिखे हैं। सभी अपनी बुक में अच्छे से इसको फिल करेंगे। सभी करें क्लास, क्वेश्चन नंबर फाइव, सिक्स क्लास। सभी लिखेंगे इसको अच्छे से। अगला है हमारा विलोम पदानी योजित है, क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स। Thank you.
चैप्टर का आपको असाइनमेंट लिखवाएंगे। सभी लिखें सिक्स क्लास चैप्टर एट का असाइनमेंट। सभी असाइनमेंट लिखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर एक लिखेंगे। घोड़े जो है वे फूलों से क्या पीते हैं? लिखेंगे आंसर में रसम, रस। क्वेश्चन नंबर टू है, कृष्ण शब्द है किम अर्थम? कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? आंसर लिखेंगे काला। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रेक्षात कहानी बदलती, प्रेक्षात पेड़ से क्या गिरता है? आंसर लिखेंगे पत्राणी, पत्ते। सभी लिखे क्वेश्चन थ्री तक। थ्री सभी लिखेंगे क्वेश्चन थ्री। सभी लिखेंगे सिक्स क्लास। फूलों से भौरे क्या करते हैं? रस लेते हैं, ठीक है, रस को पीते हैं। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? काला। वृक्ष से क्या गिरता है? पत्ते। सभी अच्छे से इसको अपनी बुक में, कॉपी में लिखेंगे। ये हमारे चैप्टर का असाइनमेंट है। सभी इसको अच्छे से लिखेंगे। साथ में हमने इसकी पिक्चर भी भेजी है आपको। कोई भी एक अपने चैप्टर से पिक उठा ली है और अपनी कॉपी में उसको अच्छे से लगाना है, ठीक है। अपने हाथों से बनाए, अच्छे से उसमें कलर करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, छात्रा पुस्तकालय कहानी आनी थी। मिलान कीजिए,
मिलान करते हैं आपको पुष्पम नीरम जलम विटपर छात्र पिकह वृक्ष कुसुम विद्यार्थी वो किले हैं। ये शब्द हैं आपके, इसके क्या करने हैं आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। कैसे करेंगे? देखिए पुष्पम, पुष्पम का पुष्पम फूल, आगे है जलम, जलम का नीरम, छात्र, छात्र है विद्यार्थी, पिक है कोकिलर है कोयल, वृक्ष है विपट विटप पेड़। सभी लिखेंगे में मिलान करने हैं। सभी अच्छे से इसको अपनी असाइनमेंट लिखेंगे, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है इनको, ठीक है क्लास? समझ में आया यहां तक? आगे हम फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको ये सेवन्थ और एट्थ दो चैप्टर दिए गए हैं, दोनों को अपनी कॉपी में अच्छे से फिल करना है और इसको अपनी बुक में भी, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है बुक में फिल करना है, जो कॉपी की एक्सरसाइज है वो कॉपी में फिल करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।